दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। इससे पहले मूल अधिकार में हमने जो पढ़ लिया है वो आपका फर्स्ट जो मूल अधिकार है वो पढ़ लिया है, और मूल अधिकार से संबंधित जितनी भी आपकी जो विशेषताएं हैं वो पढ़ लिया, कहाँ से लिया गया ये सब पढ़ चुके हैं। आज उनके बारे में पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो मूल अधिकार जो लिया कहाँ से गया है, अमेरिका से लिया गया है। इनकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इनकी प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। नकारात्मक इसलिए है कि ये राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं तथा राज्य इन पे युक्ति युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है, और सकारात्मक इसलिए है कि ये व्यक्ति को विशेष जो आवश्यकताएं हैं सुविधाएं हैं वो प्रदान करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि अनुच्छेद जो भाग आपके 3 में है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12-35 तक। अनुच्छेद 12 में आपको जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन, वो अनुच्छेद 13 में है। अगर आपके मूल अधिकारों का युक्ति युक्त अगर उन पे प्रतिबंध नहीं लगा है तो आप उनको चुनौती दे सकते हो। किन में? उच्चतम न्यायालय और जो आपका उच्च न्यायालय है, दोनों में चुनौती दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं मूल अधिकार कितने आपको प्राप्त हैं। तो जो आपका मूल संविधान था उसमें आपको 7 थे वो मूल अधिकार प्रदान थे, लेकिन वर्तमान में आपको 6 मूल अधिकार प्रदान हैं। जो एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 31 में, उसको हटा दिया, संपत्ति के अधिकार। आपको संपत्ति का अधिकार है वो अब आपका कानूनी अधिकार बन चुका है। भाग 12 में अनुच्छेद 300 कै हटाया गया, 74वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आज बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। चलो अनुच्छेद 19 में हम पढ़ते हैं, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। कितनी स्वतंत्रताएं? 7, लेकिन अब कितनी हैं? 6 ही स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अब अनुच्छेद फर्स्ट 6 है उसको हटा दिया, उसमें क्या था? संपत्ति के अर्जन, धारण, व्यय और जो स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया। अब आपको बात ये ध्यान में रखनी है, एक तो कि 44वें संविधान संशोधन में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं उनमें जो एक अनुच्छेद हटाया गया है 19-6, उसमें वर्णित है संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्यय। ये किस में वर्णित है? 19-6 में, ये ध्यान रखना है। हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब बात कर लेते हैं इस अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। फर्स्ट है 19-6 कै ख ग घ ड च और 6, 7 हैं। 6 को हटा दिया तो कितनी बची? 6। सर्वप्रथम याद करने का तरीका है कि बाबा रामदेव को लेके चल गया, उनके मन में एक विचार आया, विचार आने के बाद उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया उस विचार को व्यक्त करने के लिए। तो सम्मेलन दूसरे सम्मेलन बुलाने के बाद वहाँ एक समुदाय जो था वो बनाया उन्होंने। सम्मेलन में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो तीसरे में जो लोग इकट्ठे हुए उनका समुदाय बनाया। अब उन्होंने सोचा, यार इतनी सी छोटी सी जगह में इतने लोग इकट्ठे हो गए, हमने समुदाय बना लिया तो पूरे देश में कितना होगा। तो उन्होंने वो क्या हुए, देश भ्रमण पे निकल गए। भ्रमण पे निकलने के बाद उन्होंने जगह जगह क्या बना दिए, अपने निवास बना दिए, अर्थात पतंजलि के जो निवास हैं वो जगह जगह बना दिए। अब जगह जगह निवास बना दिया, अब उनको विचार आया क्यों न इसमें आर्थिक लाभ लिया जाए। तो आज पतंजलि के सभी जो योगपीठ हैं वो व्यापार करने लग गई हैं। तो ऐसे ध्यान रखना 6 बातें हैं, विचार आया फिर सम्मेलन बुलाया, फिर वो समुदाय आया बनाया, फिर भ्रमण पर निकले, फिर निवास किया और फिर व्यापार किया। तो ऐसे ध्यान में रखना है। तो 19-1 कह है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19-1 कह है निरायुद्ध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19-1 गय में है संघ समुदाय व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, 19-1 गय में है भारत में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, 19-1 अड़ में है
भारत के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता, 1966 में है आजीविका व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये सब बातें आपको बता दी हैं, कैसे याद करनी है आप एक बार दोबारा देख सकते हो कि फर्स्ट में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क में ख में निरायुध व शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ समुदाय व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ग में है भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, अड़ है भारत के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता अड़ में। अब आपका जो चय है वो हटा दिया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसमें क्या था संपत्ति का अर्जन धारण और व्यय करने की जो स्वतंत्रता थी वो हटा दिया। 1906 में है वर्ती आजीविका व्यापार एवं कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है उसको क्या है 1906 में वर्णित है। अब 1906 क्यों हटा दिया भाई, 1906 आपका जब मूल अधिकार ही हटा दिया संपत्ति का अधिकार तो वो ऑटोमेटिक हट गया। आप कितनी संपत्ति अर्जित करते हो ये कानूनी अधिकार है तो स्वतंत्रता नहीं रह गई। अब बात कर लेते हैं 20 के अनुच्छेद में किससे संबंधित है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या देता है, संरक्षण देता है। अब इसको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको ध्यान रखना है, दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण कौन देता है, अब अगर अपराध कर दिया उसने दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कौन देता है, अनुच्छेद 20। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी भी लागू विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, विधि मतलब कानून का उल्लंघन नहीं किया हो तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना दोहरी क्षति का मतलब है एक साथ दो सजाओं का प्रावधान नहीं तो दोहरी क्षति नहीं, एक के साथ दो सजाओं का प्रावधान नहीं है, एक एक जो अपराध है उसके लिए दो सजाएं नहीं और दो सजाएं साथ साथ नहीं चल सकती, ये किस में है अनुच्छेद 20 में। अब आपके बाद व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 20 में वर्णित है। ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपने को क्या देता है, संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को अपने उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अब इस बात को समझिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पहली तो ये बात ध्यान रखनी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली कहाँ से गई है, तो ये बता दूं आपको जापान से ली गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार ही वंचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसके द्वारा ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। कानूनी जो प्रक्रिया उसके द्वारा अगर उसके अधीन कोई व्यक्ति आता है तो उसको वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सांस लेना, नींद लेना, भ्रमण करना, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, किसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अगर उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसका उल्लंघन किया है तो उसे वंचित किया जा सकता है, वरना किसी को वंचित नहीं किया जा सकता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत, ध्यान रखना अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया 21A, ध्यान रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया, किसमें 21A में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 21A में। अब बात आती है कि 2002 से पूर्व किस में था, तो ये 45 में था अनुच्छेद 45 में, और अब 2002 के बाद अनुच्छेद 21A में। अब इसको लागू कब किया गया, तो इसे लागू करने हेतु संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा 2002 के बाद किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, 21A के तहत, और लागू कब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002।
अब अनुच्छेद 45 का क्या काम रह गया भाई? पहले तो अनुच्छेद 45 ये काम करता था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा देने का, अब 45 का क्या काम रह गया? तो काम 21A करने लगा। तो इसमें क्या किया, 45 को हटा, 45 से हट गया, तो इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कर दिया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे हेतु ये कार्य करेगा। तो 2002 के बाद जो शिक्षा है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब नीति निदेशक तत्व में वर्णित है ये पता ही आपको कि जस्टिस के बाद भाग जो 4 है वो नीति निदेशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद हैं 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है, ये ध्यान रखना। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 देता है आपको, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में अगर कानून द्वारा स्थापित जो विधि है उसका उल्लंघन आपने नहीं किया तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब भी गिरफ्तार दोष सिद्ध किया करने के पहले आपको अपराधी भी नहीं घोषित किया जा सकता। अब गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण कौन देगा भाई, वो तो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दे, तो गिरफ्तार करना हो और जो निरोध से संरक्षण, अर्थात निरोध का मतलब है यहाँ कि आप जो अपराध कर रहे हो उससे अपराध करने से पूर्व रोकना निरोध कहलाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अब कोई आदमी एक्टिव होगा तो वो बात इनको नोट करेगा कि आपको ये जानने का अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वकील से परामर्श और वकील करने का अधिकार भी किसी अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट है निवारक निरोध कानून है क्या, अनुच्छेद 22(4) में वर्णित है। ये किसी को दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया निवारक निरोध कानून, बल्कि अपराध की पूर्व रोकथाम करती है, अपराध करने से पूर्व ही रोकना, आप किसी अपराध करने जा रहे हो तो उससे पूर्व रोकने के लिए निवारक निरोध कानून है। अब ये जो आपका अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी जानने का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार, ये आपको ही है, न कि विदेशी नागरिकों को है। निवारक निरोध कानून क्या कहता है कि इसके तहत 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी। इसमें क्या है कि 3 माह तक आपको गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक निरोध कानून के तहत, उसके बाद अगर गिरफ्तारी रखनी जारी रखना है तो आपको न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी। अभी हाल ही में चर्चा है NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, क्यों चर्चा है कि यूपी के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो वो 6 महीने तक, अगर NSA के तहत गिरफ्तार हुआ है तो 6 महीने तक उसे जेल में रखा जा सकता है। कारण क्या है, ऊपर आपको बता दिया गया है कि ये 3 माह तक बिना किसी के समक्ष प्रस्तुत किए हुए गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसका कारण दे दिया कि ये सांप्रदायिक और जातीय दंगों को प्रेरित करने वालों पर लगता है, तो इसका ये कारण है। तो NSA क्या है अभी चर्चा में ध्यान रखना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में लागू हुआ था, सांप्रदायिक व जातीय दंगों को प्रेरित करने वालों पर ये लगता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद जो मूल अधिकार है 3रा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद वर्णित हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 आपको कहता है इस अनुच्छेद के तहत मानव के जो क्रय विक्रय है और बेकार जो बलात्श्रम पर है वो प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 दास प्रथा है, किसी मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार है, मानव का क्रय विक्रय और जो मानव से बेकार करवाई जाती है फिजूल की, उस सब पर प्रतिबंध कौन लगाता है, अनुच्छेद 23 लगाता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं 23। 24 है बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि 3रा जो आपका मूल अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसमें 2 अनुच्छेद हैं 23 और 24, उसमें क्या वर्णित है वो भी ध्यान में रखना है।
अब तक हमने तीन जो आपके मूल अधिकार हैं वो पढ़ लिए हैं। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात कर लेते हैं चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25-28 इसमें वर्णित हैं। अनुच्छेद 25 की बात कर लेते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत है धर्म, उपासना व विश्वास, ये अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता है किसमें? अनुच्छेद 25 में। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना व लेकर चलना धर्म का एक अंग है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म विशेष के लिए, जैसे अब तलवार इन सब पे प्रतिबंध है, लेकिन सिख जो कटारी रखते हैं वो उनके धर्म का एक अंग है, तो कृपाण धारण करना व लेकर चलना धर्म का ही एक अंग है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक संप्रदायों की स्वतंत्रता से, यहाँ ध्यान देने के लिए बात है कि अनुच्छेद 25 और 26 एक ही बात है। ये व्यक्तिगत संप्रदाय, जो व्यक्तिगत धर्म है उसकी स्वतंत्रता है, और ये धार्मिक संप्रदाय हैं, संप्रदायों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, बात वही है। यहाँ भी अबाध रूप से प्रचार, स्थापना और प्रबंध, असंपत्ति अर्जन, ये सब अनुच्छेद 26 में कर सकते हो, लेकिन धार्मिक संप्रदायों के लिए, संस्थाओं के लिए, ये सब इनके लिए संस्थाओं के लिए लागू है, और वो व्यक्तिगत रूप से लागू है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, 21 है कि जो सॉरी 27 है धर्म अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अब यहाँ ध्यान रखना कि धर्म के विकास हेतु जो कर से मुक्ति दी जाती है वो अनुच्छेद 27 में है, धार्मिक विकास के लिए। अब एक तो कर होता है, एक शुल्क होता है। नीचे हमने एक लाइन लिखी है कि राज्य धार्मिक संप्रदायों से कर नहीं वसूल सकता, पर सेवा के बदले शुल्क वसूल पर रोक नहीं। बात समझिए कि कर नहीं वसूल सकता, कर होता क्या है? कर होता है कि अनिवार्य जो धन वसूली होती है राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से धन वसूली बिना सेवा के, राज्य द्वारा बिना सेवा के अनिवार्य जो धन वसूली होती है वो कर होती है, और अगर सेवा के बदले धन वसूली होती है वो शुल्क कहलाता है। कि अगर धर्म की विकास के लिए राज्य किसी प्रकार की सेवा करता है और शुल्क लेता है, जो धन लेता है वो शुल्क है, लेकिन अगर कोई सेवा नहीं कर रहा तो वह किसी प्रकार का धन नहीं ले सकता, वो कर के अंतर्गत आता है। लेकिन राज्य ने ये प्रावधान कर रखा है कि धार्मिक संप्रदायों से कर नहीं वसूला जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28, राजकीय, अर्धराजकीय व निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। धर्म की शिक्षा उसी में दी जा सकती है जो पर्टिकुलर धर्म के लिए ही संस्थाएँ बनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 28 में कोई भी जो राजकीय, अर्धराजकीय व निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा का निषेध है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद आपके जो आज पढ़े हैं 19 से लेके 28 तक। इससे पहले हमने जो आपका मूल अधिकार फर्स्ट है, समता का अधिकार, वो पढ़ लिया है। उसमें अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष समानता है, 15 आपका क्या है सामाजिक समानता है, 16 है वो आपका जो लोक नियोजन है, सरकारी नौकरियों में सम्मान अवसर है वो है, 17 अस्पृश्यता का अंत है, 18 उपाधियों का अंत है। तो ये तो 18। अब 19 आज जो पढ़े हैं वो 19 नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, 20 आपको देता है दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण, 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, 22 नंबर है आपका गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, 23 नंबर है जो मानव के क्रय विक्रय है, बेगार बलात् इन पे प्रतिबंध लगाता है, 24 नंबर है बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, 25 नंबर अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है व्यक्तिगत रूप से, और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता देता है वो देता है आपको 26 नंबर, 27 नंबर आपको धर्म के विकास के लिए कर वसूली नहीं करता, और 28 नंबर
धार्मिक शिक्षा निषेध करती है। अनुच्छेद आपने चर्चा कर ली 28 तक, अब बात कर लेते हैं आपके मूल अधिकार कितने हैं। तो मूल अधिकार 6 पढ़ेंगे, एक हटा दिया गया है। 6 में फर्स्ट हमने समता का अधिकार पढ़ लिया, उसके बाद आज स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, कल हम पढ़ेंगे आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दो अनु जो मूल अधिकार हैं कल पढ़ेंगे। अगर आपके टॉपिक समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना। और आज का जो क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक होगा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा। 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई, गला खराब था इस कारण। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर इससे पहले के जो भी आप यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से रिलेटेड टॉपिक हैं देखना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो SST 2020 के नाम से। धन्यवाद।